इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, आराम्या ज्वेल्स, एटर्नल सॉल्यूशन, महिला मंडल पंजाबी बाग। कहते हैं धरती पर दो ही भगवान होते हैं, एक हमारी माँ जो कि हमें जन्म देती है और एक हमारे डॉक्टर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएमपीवी आवाज का खास कार्यक्रम हेल्थ टिप्स और मैं हूँ आपके साथ मानसी। और एक बार फिर से हमारे साथ है मेमोरी मैन जिन्हें विष्णुप राय चौधरी को ऐसा खिताब मिला हुआ है जो कि उन्होंने कई सारी किताबें भी लिखी हुई हैं। तो आइए आपको मिलवाते हैं और उनका नाम भी उनकी याददाश्त के लिए गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। तो आइए स्वागत करते हैं उनका। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो किडनी को लेकर हम लोग बात करेंगे। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी किडनी का क्या कार्य रहता है हमारे शरीर में और इसके बिना अगर हम जीवन की कल्पना करें तो इस पर आप क्या कहेंगे? किडनी बेसिकली हर पल हम जो इंजेस्ट करते हैं, जो खाते हैं हम, और बहुत सारा उसमें से जो न्यूट्रिशन है बॉडी इस्तेमाल कर लेता है। इस वक्त भी जब मैं बात कर रहा हूँ तो यानी कि हमारे जो न्यूट्रिशन है, हमारी एनर्जी है, हम स्पेंड कर रहे हैं तो वो खाने से ही आया है। और बहुत सारा ऐसा पार्ट होता है खाने का जो बॉडी उसको डिस्क्रीट कर उसको निकाल देता है और वो पसीने के रास्ते निकालता है, स्टूल के रास्ते निकालता है या फिर वो यूरिन के रास्ते निकालता है। यूरिन के रास्ते काफ़ी सारा कुछ निकालता है। तो यहाँ पर किडनी का रोल होता है। जो चीज़ बॉडी में वेस्ट है, बॉडी जिसका इस्तेमाल नहीं कर सकती है, वो बॉडी के वेस्ट को बॉडी से बाहर ले जाने वाला जो काम है मेनली वो किडनी का है। अगर किडनी नहीं हो किसी का या किडनी काम करना कम कर दे तो बॉडी के अंदर वेस्ट बनना शुरू हो जाता है। वेस्ट बनना शुरू हो जाता है तो यूं मानिए बॉडी एक गुब्बारे की तरह है, राइट? जिस तरह गुब्बारे में हवा भरते रहेंगे तो गुब्बारा फूलता रहेगा। तो किडनी पेशेंट भी ऐसे ही हैं। तो उनके बॉडी में वेस्ट जमता जाएगा तो आप उनके पैरों को ध्यान से देखेंगे, उनके उंगलियों को देखेंगे, उनके गालों को देखेंगे तो वेस्ट भरेगा तो गुब्बारे की तरह वो उनका पैर हाथ बॉडी फूलता जाएगा। जिस तरह से गुब्बारे में बहुत ज़्यादा हवा भरेंगे तो वो फट भी सकता है, इंसान भी फट सकता है, उसे बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट, इंसान मर जाता है जी। ये है रोल। सर, मैं बात करूंगी किडनी पर कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं और इससे क्या असर पड़ता है हमारे शरीर को और कब हमें अलर्ट होना चाहिए कि इन सब बीमारियों से बचा जा सके। किडनी के अगर नहीं काम करने से कोई भी बीमारी हो सकती है। कैसे? मान लीजिए वेस्ट बॉडी से बाहर किडनी नहीं निकाल पा रहा तो वो वेस्ट कहाँ पे है? वो बॉडी के अंदर ही है। और अगर बॉडी के अंदर वेस्ट है तो वो वेस्ट बॉडी में ट्रेवल कर रहा है। वो हार्ट में जाएगा तो हार्ट की बीमारी होगी, वो लंग में जाएगा तो लंग की बीमारी होगी, वो किसी भी ऑर्गन में जाएगा। ऐसा कौन सा ऑर्गन है जहाँ नहीं पहुँच सकता? हर ऑर्गन में पहुँच सकता है। तो अगर हम ये बोलें किडनी से ये बीमारी होती है, ये बीमारी नहीं होती, ऐसा नहीं बोल सकते। मैं तो ये बोलूँगा कोई भी बीमारी हो सकती है। फॉर एग्जांपल किडनी अगर फेल होगा तो हमारी इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी। अब अगर बोलें इम्यूनिटी डाउन होने से कौन सी बीमारी हो सकती है, फिर एक रेंज ऑफ डिजीजेज हैं, इन्फेक्शियस डिजीज है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। तो किडनी काम नहीं करेगा तो दुनिया की जितनी भी बीमारी है वो कोई भी बीमारी हो सकती है। तो मान लो पार्किंसन है, वो है तो ब्रेन की बीमारी, लेकिन बहुत सारे वेस्ट मेटल ब्रेन में जमा हो जाएंगे तो पार्किंसन होगा। वेस्ट मेटल कब जमा होंगे? जब वो बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा। इस तरह से जी। सर, अब हम जो हमारा मुद्दा है वो डायलिसिस को लेकर है। जैसे कुछ लोग मरीजों को जो डायलिसिस कराते हैं कहते हैं उनका जीवन बहुत ही कम हो जाता है इस स्थिति में, तो आप इस बात पर क्या कहेंगे, इस पर कितनी सच्चाई है? जाहिर सी बात है, डायलिसिस का मतलब यह है कि किडनी आपका काम नहीं कर रहा तो किडनी की जगह पे मशीन काम कर रहा है। तो किडनी जो आपके ब्लड से जो वेस्ट मटेरियल यूरिन के रास्ते बाहर भेज देता है वही वाला काम मशीन कर रहा है। लेकिन वो वाला काम जब मशीन कर रहा है तो मशीन को नहीं पता कि आपके बॉडी में कौन से न्यूट्रिशन की ज़रूरत है और कितने पोषण की ज़रूरत है, कितना पोटेशियम होना चाहिए, कितना कैल्शियम होना चाहिए, कितना क्रिएटिनिन होना चाहिए, ये सब मशीन को नहीं पता। मशीन में तो जो सेटिंग कर दी मशीन उससे निकालेगा, हमारे किडनी को पता है, राइट? तो क्योंकि वो हमारी बॉडी का पार्ट है। तो ऐसे में जो जब डायलिसिस होता है तो अननेसेसरी बहुत सारे न्यूट्रिशन जो बॉडी को चाहिए वो भी डायलिसिस मशीन निकाल लेती, खींच लेती है। कैल्शियम खींच लेगी, हीमोग्लोबिन डाउन हो जाएगा, पोटेशियम एक्सेस की खींच लेगी, सोडियम खींच लेगी।
तो जो न्यूट्रिशन बॉडी को चाहिए वो भी जब खींच लेंगे तो जाहिर सी बात है इंसान की जो लाइफ स्पैन है वो कम हो जाएगा, इंसान को वीकनेस बढ़ जाएगा, उनके पैर का हाथ काम करने कम हो जाएंगे या वो उनको चलने में दिक्कत आएगी, फटीग आएगा, तो उनका किडनी फर्दर डैमेज होगा। क्योंकि जब किडनी की जगह एक और मशीन ने ले लिया तो किडनी का जो रास है जो वर्किंग है वो भी कम होते जाएगा जी। ये बॉडी का एक तरीका है कि जब हम कि जैसे जो लोग इंसुलिन लेना शुरू कर देते हैं तो बॉडी इंसुलिन की जो थोड़ी बहुत प्रोडक्शन कर रहा था वो भी कम कर देता है जी। तो कि डायलिसिस पे जब कोई जाता है तो वो एक तरह से अपनी किडनी को फर्दर डैमेज करने में कंट्रीब्यूट कर रहा है, और डायलिसिस में कोई जाता है तो यूँ मानिए कि बॉडी का जो एक इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो पूरी तरह बिगड़ जाता है। इसके बिगड़ने से इंसान की लाइफ स्पैन तो कम हो ही जाती है जी। सर अब मैं बात करूंगी, जैसे जो डायलिसिस कराते हैं उसमें काफ़ी खर्चा आता है और बार बार कराने पर तो बहुत ही महंगा पड़ जाता है, तो आप क्या कहेंगे जो कम बजट में इसको करा सके या इस बीमारी से निजात पा सके? देखिए डायलिसिस कोई सोल्यूशन नहीं है, ये भी एक प्रॉब्लम का पार्ट है, ये भी एक व्यापार ही है। तो डायलिसिस कराने से फिर सिर्फ आप ये सोच रहे हैं कि आज जो बॉडी में फ्लूइड डिपॉजिट हो गया जो नहीं निकल पा रहा, किडनी नहीं काम कर रही है पूरी तरह से, वो आपने मशीन के माध्यम से निकाल दिया एट द कॉस्ट ऑफ अपने आप को और बीमार करके। तो हम तो बोलते हैं उसकी जगह पे हमने अभी ईजाद किया है कुछ महीने पहले व्हाट वी कॉल एज हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी। हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी बड़े सिंपल है, दो लाइन में बोलूँ, एक बाथटब ले लीजिए, ऐसा बाथटब जहाँ बैठें तो पानी आपके गले तक होना चाहिए और पैर सीधा करके बैठ पाएँ, इतना लंबा होना चाहिए और पानी का टेम्परेचर 40 डिग्री मेंटेन होना चाहिए, और ऐसा अगर आप 2 घंटे बैठेंगे तो आपका बॉडी सेल्फ डायलिसिस मोड पे चला जाएगा। मतलब आपके बॉडी में एक्सेस क्रिएटिनिन, एक्सेस यूरिया, एक्सेस पोटेशियम, एक्सेस जो भी न्यूट्रिशन है बॉडी में वो स्किन के रास्ते और आपके यूरिन आउटपुट को बढ़ा के आपके किडनी को दोबारा से रिजुविनेट करके बॉडी उसको निकाल देगा, यानी कि आपका बॉडी खुद ही डायलिसिस करना सीख जाएगा और आपका किडनी खुद से काम करने लगेगा। और मीनवाइल आपका जो स्किन है, स्किन इज कॉल्ड थर्ड किडनी, स्किन के जो पोर्स हैं इस पोर्स में जो पसीना आता है उस पसीने को केमिकली एनालाइज करेंगे तो वो वही वाला केमिकल्स मिलेंगे जो यूरिन के रास्ते निकलता है। यूरिन और पसीने में कोई खास फर्क नहीं है, तो स्किन से पसीना निकलता है और यूरिनरी ट्रैक्ट से यूरिन निकलता है, लेकिन दोनों का काम सेम ही है। तो इस तरह से आप हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी यूज़ करके, हेड डाउन टिल थेरेपी एक और है, आपके बेड को एक तरफ 1 फिट यानी कि 3 इंच लगा के ऊंचा कर लीजिए, जिस तरफ ऊंचा उस तरफ पैर और दूसरी तरफ सिर, ऐसे करके अगर 2 घंटे सोएंगे तब भी किडनी की जो फंक्शनिंग वो इम्प्रूव हो जाती है, यूरिन आउटपुट बढ़ने लगता है, स्वेलिंग कम होने लगती है पहले दिन से ही। तो ये 2 थेरेपी है जो इंसान घर पे कर सकता है, और ये करेंगे तो डायलिसिस की जाने की आवश्यकता कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, बीपी कम होने लगेगा, एनर्जी बढ़ जाएगा, स्वेलिंग ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से घर बैठे ही मुफ्त में इंसान ठीक हो सकता है। सर अब मैं बात करूंगी, जैसे कुछ लोग किडनी ट्रांसप्लांट कराते हैं तो उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन की आवश्यकता होती है और जो बीमारियों का खतरा काफ़ी अधिक बढ़ जाता है, और हमारा जीवन कितना सुरक्षित है, इस पर आप क्या कहेंगे? किडनी ट्रांसप्लांट भी एक व्यापार है। किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत तो किसी को भी नहीं है इस दुनिया में, और जिनको डॉक्टर ने बोला कि किडनी ट्रांसप्लांट कराना है वो वही करे जो मैंने अभी आपको बताया पिछले वाले सवाल के जवाब में, तो उनका किडनी काम करने लगेगा। और याद रखिए किडनी ट्रांसप्लांट करने के बाद भी कुछ दिन तक किडनी काम करती है, फिर दोबारा से डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि आपने अपने जीवन तो बर्बाद किया ही है, एक और इंसान जो हेल्दी था उसका किडनी लेके उसका जीवन भी बर्बाद कर दिया। तो किडनी ट्रांसप्लांट की जगह हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी, हेड डाउन टिल थेरेपी, ये दोनों जो मैंने बताया ये करेंगे तो आपका किडनी जो थोड़ा बहुत काम कर रहा था वो पूरी तरह से काम करेगा, ट्रांसप्लांट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सर अब मैं बात करूंगी, जैसे क्रिएटिनिन है कम या ज़्यादा होने पर आप इस पर क्या कहेंगे? क्रिएटिनिन का कम होने का ज़्यादा होने से कोई कनेक्शन नहीं है, आपकी किडनी के फंक्शनिंग का कोई खास रोल नहीं है। आप एक टेस्ट कीजिए, अपना क्रिएटिनिन चेक कराइए, फिर खूब सारा जो मीट खाते हैं राइट वो खूब सारा मीट खाइए और दोबारा से अपना क्रिएटिनिन टेस्ट कराइए। मीट खाने के 2 घंटे बाद क्रिएटिनिन फिर बढ़ जाएगा, तो क्या ये किडनी का दोष है? क्रिएटिनिन खाएंगे तो ब्लड में क्रिएटिनिन ज़्यादा दिखेगा, आप क्रिएटिनिन मत खाइए, एनिमल फूड छोड़ दीजिए, डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दीजिए, आपका क्रिएटिनिन ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। जिनमें मसल ज़्यादा होते हैं बॉडी बिल्डर उनका क्रिएटिनिन भी थोड़ा ज़्यादा होता है, तो क्रिएटिनिन जो है वो आपके बॉडी में मसल्स हो तो हो सकता है, क्रिएटिनिन खाएंगे तो बढ़ेगा। कभी कभी किडनी फेलियर में पड़ जाता है, कभी कभी किसी को अगर एंटीबायोटिक्स लेते हैं जो लोग या फिर जो फीवर वगैरह होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है, उस दौरान भी टेम्पररी क्रिएटिनिन बढ़ जाता है हमारा। तो क्रिएटिनिन बढ़ने के ढेर सारे कारण हैं, उनमें से एक कारण ज़रूर है जब किडनी फेल होती है। तो लेकिन जब भी क्रिएटिनिन बढ़ेगा दैट डज नॉट मीन कि आपकी किडनी फेल हो गई है जी।
सर अब मैं बात करूंगी, जैसे आपकी जो संस्था है किडनी रोगियों के लिए क्या कार्य कर रही है और आपकी संस्था उन्हें कैसे किडनी के जो रोग होते हैं उनसे बचाती है? देखिए हमारे हॉस्पिटल्स हैं, वी कॉल इट हिम्स हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, चाहे वो जयपुर में है, जोधपुर में है, डेराबसी चंडीगढ़ में भी है, पंचकुला में खुलने वाला अगले हफ्ते, और भी चेन ऑफ हॉस्पिटल खुल रहे हैं। और लेकिन हमारा जो मेन मकसद है कि पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में ना आके घर में बैठ के ही ठीक हो जाए, तो हम ऑनलाइन कंसल्टेंसी के माध्यम से जो अभी दो थेरेपी मैंने आपको बताए वो थेरेपी हम पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं और वो थेरेपी पेशेंट घर पे ही लेना शुरू कर देता है और घर पे ही ठीक हो जाता है। मकसद ये है कि घर पे बैठे फास्टेस्ट सेफेस्ट और बिना किसी पैसे के ठीक कराना हमेशा के लिए, तो वो तभी हो सकता है जब आप खुद अपना डॉक्टर बनेंगे और आपका घर ही आपका हॉस्पिटल बनेगा। इसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। सर आखिर में हम आपसे एक टिप्स चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए। देखिए टिप्स ये है कि या तो आप हेल्दी हैं या हेल्दी नहीं है, इन बोथ, अगर हेल्दी हैं तो हेल्दी कैसे रहें और अगर हेल्दी नहीं है तो हेल्दी कैसे हो जाएं, तो उसके लिए दो ही चीज़ें करेंगे तो लगभग सारी बीमारियां कवर हो जाती हैं। एक तो DIP डाइट, द काइंड ऑफ डाइट जो मैं एडवाइस करता हूँ, थोड़ा सर्च कीजिए मिल जाएगा, आज से आप DIP डाइट पे रहिए नंबर वन। नंबर टू, अगर किसी तरह का दर्द है, किसी तरह की बीमारी भी साथ में है, तो हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी घर में शुरू कर दीजिए रोज 1 घंटे से 2 घंटा। ये दो चीज़ करेंगे तो जो पेन है किसी भी तरह का आपके बॉडी में, ट्यूमरस ग्रोथ है, अगर स्टोन है किसी में, कैंसर भी है, हार्ट डिजीज़ भी है, लंग डिजीज़ है, किडनी फेलियर है, या फिर कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ है, अगर तो है तो आप देखेंगे पहले दिन से आपको प्रभाव पड़ेगा, विद इन फ्यू डेज आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। और ठीक रहने के लिए भी इसी लाइन में ही चलने की कोशिश कीजिए, ये करेंगे कम से कम हेल्थ चैलेंजेस आपको नहीं होंगे, है तो वो ठीक हो जाएगा, नहीं है तो होगा नहीं। थैंक यू सो मच सर, आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम, बने रहिए MMTV आवाज के साथ।